गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो पेपर सेकंड है आपका, माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, उसमें हम फंजाई के बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक हमने फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा है। आज हम इसके मेंबर्स पढ़ेंगे और उसमें जो पहला मेंबर पढ़ेंगे वो है एल्बुगो। अब सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन, डिवीजन माइकोटा, सब डिवीजन यू माइकोटा, क्लास ऊ माइसिटीस, ऑर्डर पेरेनोस्पोरेल्स और फैमिली एल्बुजिनेसी, जीनस एल्बुगो। एल्बुगो जो है वो फैमिली एल्बुजिनेसी का सिंगल जेनरा है। इसकी लगभग 25 जातियां हैं जो कि सभी जगह पाई जाती हैं, और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट यानी अविकल्पी परजीवी। परजीवी तो जैसा आप जानते हैं कि जो फंजाई लिविंग टिश्यूज से अपना भोजन प्राप्त करती है उसे हम परजीवी या पैरासाइट कहते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मीनिंग है कि ये केवल लिविंग टिश्यूज पर ही अपने भोजन के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। जो उच्च श्रेणी के पौधे हैं उनमें ये एंडो पैरासाइट के रूप में भी पाई जाती है। ये क्रूसीफेरी, एस्टरेसी, एमरंथेसी आदि फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनको संक्रमित करते हैं, उनको इन्फेक्ट करते हैं। जो एल्बुगो से जो सबसे कॉमन डिजीज प्लांट्स में पाई जाती है वो है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। यानी क्रूसीफेरी फैमिली के जो मेंबर्स हैं जैसे मूली, सरसों आदि, उनमें एल्बुगो कैंडिडा एक रोग उत्पन्न करता है जिसे हम वाइट रस्ट या श्वेत किट कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर या कायिक संरचना। इसका जो थैलस होता है वो शाखित, सिनोसिटिक और एक जाल के रूप में होता है जिसे कि हम माइसीलियम कहते हैं। ये मैंने आपको जनरल कैरेक्टर्स में बताया था। अब सिनोसिटिक इसका मतलब है मल्टी न्यूक्लिएट विदाउट सेप्टा, यानी जो माइसीलियम है उसमें कई सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं लेकिन कहीं भी सेप्टा या पट प्रेजेंट नहीं होता। ये जो हाइफा है यानी माइसीलियम हाइफा से मिलकर बना होता है, तो हाइफा की जो वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। इसका साइटोप्लाज्म ग्रेन्युलर होता है और उसमें कई सारे न्यूक्लियाई, वैक्यूल्स, ऑयल ग्लोब्यूल्स आदि पाए जाते हैं। जब ये किसी भी होस्ट को अटैक करता है तो ये होस्ट में जो उसके टिश्यूज में इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं, अंतराकोशिक अवकाश, उनके बीच बीच में इसके हाइफा जो है वो वृद्धि करते हैं और ये होस्ट सेल से न्यूट्रिशन होस्टोरिया द्वारा अवशोषित करता रहता है। अब हम पढ़ेंगे इसका जनन। आप इस डायग्राम में वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के लिए इस डायग्राम में देख सकते हैं कि आपको व्हाइट कलर के स्पॉट्स यानी व्हाइट पश्चूस दिखाई दे रहे हैं। ये एल्बुगो ने इस प्लांट को यानी मूली रेफिनस सटाइवस उनको इन्फेक्ट किया है। और जब सीवियरली इन्फेक्टेड होता है प्लांट तो आप जैसा डायग्राम बी में देख रहे हैं सभी चीज हाइपरट्रोफाइड हो जाती है। हाइपरट्रोफाइड मीन्स मोटा हो जाता है।
चाहे आप फ्लावर देख लें, स्टेम देख लें, सभी जगह वाइट पस्यूल्स हो जाते हैं और ये पोर्शन मोटा हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। यहाँ पर दोनों तरह का रिप्रोडक्शन यानी असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। आज हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया द्वारा होता है जो कि मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है, और ये कोनिडिया जैसा आप डायग्राम बी में देख रहे हैं एक चेन में बनते हैं, और ये कोनिडिया कोनिडियोफोर से बनते हैं, और कोनिडियोफोर जो है वो होस्ट सेल्स के अंदर जो बीच बीच में एल्बुगो या फंजाई का माइसीलियम है उससे निकलते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला है फॉर्मेशन ऑफ कोनिडियोफोर, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया, और तीसरा है जर्मिनेशन ऑफ कोनिडिया। तो अब पहला पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कोनिडियोफोर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब ये होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है तो होस्ट टिश्यूज की जो सेल्स हैं उनके बीच बीच में ये कवक जाल या माइसीलियम के हाइफा जो होते हैं वो स्थापित हो जाते हैं। अब कहीं कहीं पर ये एकत्र हो जाते हैं और इनसे इनके समकोण पर यानी इनके राइट एंगल पर लंबे स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिन्हें कि कोनिडियो फोर या स्पोरेंजियो फोर कहते हैं, जो कि पहले से टिश्यूज की तरह दिखाई देते हैं। तो ये जो क्लब शेप्ड कोनिडियो फोर जैसा आप डायग्राम बी में देख रहे हैं इनमें 5 से 6 न्यूक्लियाई होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और इसका जो डिस्टल एंड है यानी दूरस्थ भाग है उसकी वॉल पतली होती है, जबकि जो बेसल पोर्शन है वहां की वॉल दृढ़ होती है, हार्ड होती है। अब नेक्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया। कोनिडिया जो है कोनिडियो फोर के डिस्टल एंड पर बनते हैं। कोनिडियो फोर का जो ऊपर का फूला हुआ जो पोर्शन आप देख रहे हैं डायग्राम सी में, वहां पर एक खांच या कॉन्स्ट्रिक्शन या संकीर्णन डेवलप हो जाता है जैसा आप डायग्राम सी में देख रहे हैं, और ऊपर वाला भाग जो है वो गोलाकार सा हो जाता है। धीरे धीरे ये कॉन्स्ट्रिक्शन अंदर की तरफ बढ़ता जाता है जैसा डायग्राम डी में देख रहे हैं, और अल्टीमेटली एक ये पूरी वॉल बन जाती है और एक राउंडेड स्ट्रक्चर बन जाता है जैसा डायग्राम ई में देख रहे हैं, जिसे कि हम कोनिडिया कहते हैं। अब एक कोनिडिया बनने के बाद फिर से जो उसकी ऊपर वाली वॉल जो होती है उसमें फिर से वही कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप होता है और फिर से एक कोनिडिया डेवलप होता है, यानी सेम प्रोसेस जो है वो फिर से रिपीट होता है। तो इस तरह ये प्रोसेस कई बार रिपीट होता है, इसलिए कई सारे कोनिडिया जो है वो एक चेन में बन जाते हैं, और ये कोनिडिया एक दूसरे से आपस में एक डिस्क द्वारा जुड़े रहते हैं जिसे कि हम डिसजंक्टर या वियोजक कहते हैं। अब जब कोनिडिया लार्ज नंबर ऑफ कोनिडिया इस तरह से जब बन जाते हैं तो जो होस्ट सेल है उसके एपिडर्मिस पर प्रेशर पड़ता है जिसके कारण एपिडर्मिस फट जाती है, और जब एपिडर्मिस फट जाती है तो इस खुले भाग से कोनिडिया जो होते हैं वो होस्ट सेल की सतह पर वाइट पाउडर या वाइट पस्यूल्स के रूप में बाहर आ जाते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं जिसे कि हम वाइट रस्ट कहते हैं। तो इस तरह से
कोनिडिया का निर्माण होता है। नेक्स्ट है जर्मिनेशन ऑफ कोनिडिया। कोनिडिया का जर्मिनेशन, जैसे ही कोनिडिया बाहर आते हैं उसके 2-3 घंटे बाद जो है उसका जर्मिनेशन शुरू हो जाता है। जब मॉइस्चर हो और टेम्परेचर अराउंड 10 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग हो, तब ये कोनिडिया जो होते हैं ये जर्मिनेट होते हैं। अब ये जर्मिनेट होकर बाईफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम जूस्पोर कहते हैं, जो कि गतिशील होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम एच में देख रहे हैं। अब ये जूस्पोर्स जो होते हैं ये बाहर आ जाते हैं, इनके लेटरल साइड पर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं जो कि असमान होते हैं। अब ये जूस्पोर्स कुछ समय तक तो गतिशील रहते हैं, उसके बाद इसकी जो फ्लैजिला है वो डिसअपियर हो जाते हैं और ये एक गोलाकार होकर अपने चारों ओर एक वॉल या सिस्ट बना लेते हैं, जैसा कि आप डायग्राम जे में देख रहे हैं। अब इस सिस्ट का जर्मिनेशन होता है जो कि एक जर्म ट्यूब द्वारा होता है, जो कि आप डायग्राम के में देख रहे हैं। अब जर्म ट्यूब द्वारा ये जर्मिनेट हो जाते हैं और ये जर्म ट्यूब फिर से नए प्लांट को इन्फेक्ट करती है, उनके होस्ट टिश्यूज की सेल्स के में इंटरसेल्युलर स्पेसेस में प्रवेश कर जाती है और फिर से नया कवक जाल या माइसीलियम बना लेती है। अगर जर्मिनेशन के लिए कंडीशंस फेवरेबल नहीं हो तो ये कोनिडिया जो है ये जू स्पोर्स नहीं बनाते, बल्कि ये कोनिडिया जर्मिनेट होकर डायरेक्टली जर्म ट्यूब बनाते, जो कि नए पौधे को संक्रमित करते हैं। तो आज हमने इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।